हजका भाजपा गठबंधन टूटने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। रविवार को हरियाणा जनहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने भिवानी पहुंचे पार्टी की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धोखा देने के आरोप लगाते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को हजका की ताकत व अपनी क्षमता का बखूबी पता चल जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डूबता जहाज करार देते हुए कहा कि आगामी चुनावों में उनकी पार्टी का मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल से होगा। इस अवसर पर पार्टी की प्रदेश महिला प्रभारी कुसुम शर्मा, हरियाणा जनहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बहादुर चंद, पार्टी प्रवक्ता कमल सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी यहां मौजूद थे। और लोगों में ये भी होता है कि थोड़ा टाइम तो दीजिए इनको, अब लोगों के सामने इनकी तस्वीर सामने नजर आ रही है। हमने अगर सब्र किया, हमने अगर पेशेंस रखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही कटहरे पे खड़े हो गए। जिन लोगों ने धोखा दिया है उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि को निभाया है, और मैं ये कहता हूं कि स्लोली स्लोली पूरे प्रदेश के अंदर इनके खिलाफ एक ज्वालामुखी आएगी। इनके खिलाफ लोगों के मनों में ये बात बड़ी बुरी तरह से फैल चुकी है। इन धोखेबाजों को बिल्कुल नहीं आने देंगे, और हरियाणा जनहित कांग्रेस अंडर द लीडरशिप का कुलदीप बिश्नोई अच्छी सरकार देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे। भवानी खेड़ा के जमाल